दो दिन पहले कश्मीर में हुई अध्यापिका रजनी बाला की हत्या का गम कुछ कम नहीं हुआ था कि गुरुवार को आतंकवादियों ने एक और टारगेट किलिंग को अंजाम दे दिया। बैंक प्रबंधक विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विजय राजस्थान के रहने वाले थे। इसके बाद से ही अगर बात करें तो माइग्रेट कश्मीरी पंडितों की तरफ से घाटी छोड़ने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इसमें हिंदू और नॉन लोकल सोहेल लगातार घाटी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और गुरुवार की बात की जाए तो गुरुवार को श्रीनगर में जो है जो लोग घाटी से बाहर जा रहे थे उनका भारी मात्रा में रश देखने को मिला। जिला प्रशासन गांधरबल ने गुरुवार को कहा है कि खीर भवानी का वार्षिक मेला बड़े धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाएगा। गांधरबल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला के उपायुक्त श्यामबीर ने कहा कि मेला खीर भवानी को रद्द करने का सुझाव देने वाले कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि जिला प्रशासन ने पहले ही टेंट लगा दिए हैं और बाकी व्यवस्थाएं लगातार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक मेला 8 जून को बड़े धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाएगा। कुलगाम में आतंकियों ने एक बैंक अधिकारी को निशाना बनाते हुए गुरुवार को उस पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से बैंक अधिकारी की मौत हो गई। वह राजस्थान का रहने वाला था। कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुवार को दक्षिण कश्मीर के जिला कुलगाम में आतंकियों ने एक बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या की। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि आतंकी कैसे बैंक में घुसकर बैंक प्रबंधन पर हमला करता हुआ नजर आया। जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से आपको बता दें कि जो सरकार की तरफ से नया फैसला लिया गया था कि रजिस्ट्रेशन और रिन्यूएबल जो कॉन्ट्रैक्ट कार्ड्स हैं वो किए जाएंगे, उसको सॉल्व करने के लिए एक मास अवेयरनेस प्रोग्राम जो है श्रीनगर के बीच में चलाया गया। इस मौके पर बता दें कि इसके चेयरमैन गुलाम जिलानी पूर्जा की तरफ से कहा गया कि कोशिश की जा रही है कि एक बड़े पैमाने पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स और साथ ही साथ आम जनता को जो है बताया जाए कि किस तरीके से उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करना है और साथ ही साथ बाकी मुद्दे उनके सुझाए जाएंगे। मशहूर संतूर वादक एवं पद्मश्री से सम्मानित पंडित भजन सपोरी को ने गुरुवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने गुरुग्राम के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। शिवसेना उधमपुर इकाई की तरफ से गुरुवार को कश्मीर घाटी में चल रही लक्षित हत्याओं और हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। जम्मू कश्मीर शिवसेना के अध्यक्ष मनीष सानी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता करगिल हनुमान मंदिर के पास इकट्ठा हुए और कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों को सुरक्षित करने में सरकार की विफलता के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। कश्मीर घाटी में लगातार हो रही सॉफ्ट टारगेट किलिंग को लेकर जो है गुरुवार को शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से भी पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते वह गैर मुस्लिमों को जो है निशाना बनाकर जो है घाटी में एक बार फिर 1990 के दशक को दोहराने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने साफ किया कि जल्द ही जो है उम्मीद है कि हमारे सुरक्षा बल जो है इन आतंकियों को ढेर करेंगे। जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर की तरफ से भी गुरुवार को जम्मू के प्रेस क्लब में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इन्होंने वी वांट जस्टिस के नारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही साथ उपराज्यपाल प्रशासन से गुहार लगाई है कि रजनी बाला के परिवार को पूर्ण रूप से सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि उनकी एक बेटी है, उसकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाया जाए और साथ ही साथ मांग की कि जितने भी कश्मीरी पंडित हैं या बाकी गैर मुस्लिम जो इस समय घाटी में काम कर रहे हैं उन्हें जगहों पर ऐसी जगहों पर स्थानांतरित किया जाए जहां पर उनकी सुरक्षा का मुद्दा ना पेश आए।